हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की साइंस का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस सो आई मेक दिस चैप्टर इन पार्ट्स तो इस वीडियो में वी नो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को फंक्शन करने के लिए कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड अलग प्लांट्स जिनको ऑटो बोलते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद बना लेते हैं बाकी जो अपना फूड नहीं बना पाते हैं और दूसरों पे डिपेंडेंट है, होते हैं फूड के लिए वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो सिंगल सेल्ड हो या मल्टी सेल उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी मिलती है हमें फूड से बट फूड ऐसा होना चाहिए जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर ले हर कोई हर चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाता सबका तरीका अलग अलग है जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म फूड को अपनी बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं कुछ एंजाइम्स रिलीज करके और फिर जब फूड ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर उसको अब्जोर्ब कर लेते हैं ऐसा करते हैं ब्रेड मोर्ड्स और मशरूम्स कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि पूरा का पूरा मटेरियल एक बार में खा लेते हैं फिर धीरे धीरे उसको बॉडी में ब्रेक करते हैं जैसे कि स्नेक्स करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरों की बॉडी में रहते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं जैसे कभी कभी सर में जुए होते हैं लाइस वॉट वी कॉल ये पैरासाइट है या लीचेस टिक्स टेप ये भी पैरासाइट है तो जैसे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं उतने ही अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमें देखने को मिलते हैं सिंगल सेट ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे अमीबा और पैरामीशियम अमीबा जो है इसकी बॉडी कोई रेगुलर नहीं होती इसमें टेम्पररी फिंगर लाइक -like प्रोजेक्शन होते हैं इसको सुडोपोडिया कहते हैं जहां से भी उसको लगता है की फूड पार्टिकल आ सकते हैं तो उधर से वो ये फिंगर लाइक -like प्रोजेक्शन निकालता है और फिर फूड को कैप्चर कर लेता है और जो फूड है वो एक फूड वैक्यूअल के अंदर आ जाता है फिर फूड वैक्यूल में ही एंजाइम डालता है और वो जो फूड

जब फूड इसके अंदर जाता है तो वहां पे भी वो फूड वैक्यूल बन जाता है और वापस से इसमें फूड वैक्यूल में एंजाइम रिलीज होते हैं एनर्जी ले ली जाती है और जितना वेस्ट होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से बाहर निकाल दिया जाता है तो ये बात रही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी है सो वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो अनलाइक यूनीसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल होता है और वो अकेला सब काम करता है जैसे डाइजेशन भी करता है रेस्पिरेशन भी करता है एक्सक्रीशन भी करता है सेम चीजें हमारी बॉडी में कैसे होती हैं हमारी बॉडी में सेल्स को जो फूड चाहिए एनर्जी के लिए वो कैसे पहुंचता है तो हमारी बॉडी अलग ही तरीके से काम करती है हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं ये सेल मिलकर अलग अलग तरह के टिश्यूज और फिर ऑर्गन बनाते हैं अलग अलग ऑर्गन साथ में मिलकर सारा काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी स्मूदली काम कर सकती रहे बात करेंगे उन ऑर्गन्स की हमारी बॉडी में जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं और फिर डाइजेस्ट करके एक एक सिंगल सेल तक वो फूड पहुंचाते हैं हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्लूकोज अमीनो एसिड्स फैटी एसिड्स वाइटामिन और मिनरल्स के फॉर्म में बट हमारा खाना तो ऐसा होता है यानी बड़ा ही कॉम्प्लेक्स तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये हेल्प करता है इस कॉम्प्लेक्स से फूड को ब्रेक डाउन करने में और फिर जब सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तब हमारे सेल्स इसको करके अपना काम करते हैं तो फूड हमारी बॉडी में दो तरीके से बदला जाता है पहला है फिजिकल और दूसरा है केमिकल फिजिकल यानी जब हम टीथ से चू करते हैं और फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और केमिकल यानी कि जब हमारे जो बॉडी के एंजाइम्स होते हैं ये फूड के साथ रिएक्ट करते हैं और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो जो पूरा पाथवे है, या फिर पाइप है फ्रॉम माउथ टू ये है हमारी एलिमेंट्री कनाल इसमें हमारा माउथ यूस ऑफ फेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन और एनस आता है इसके साथ ही कुछ और ऑर्गन्स भी होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं जैसे टीथ टंग सलाइवरी ग्लैंड पैनक्रियाज लिवर और गोल्ड ब्लैडर इन सब अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन है सो so चलो इसको अच्छे से समझते हैं फूड so है? का ब्रेक डाउन कहाँ पे शुरू होता है सो अनडी रेड small यू से बट एक्चुअली फूड का ब्रेकडाउन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। जैसे जब हम खाना खाते हैं या फिर जब खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है या फिर बस खाने के बारे में सोच के ही हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है ये हमारा ब्रेन सिग्नल करता है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स को कि

टीथ फूड को क्रश करके सेम टेक्सचर का बना देते हैं जिससे कि फूड को ब्रेक डाउन करना और अब्जॉर्ब करना हमारी बॉडी के लिए इजी हो जाता है सलाइवा की वजह से फूड आपस में क्लम्प हो जाता है और जब यूसोफेगस से डाउनवर्ड मूवमेंट होता है ये स्मूथ हो जाता है इससे यूसोफेगस की वॉल्स डैमेज भी नहीं होती अपार्ट सलाइवा एंड टीथ हमारी टंग भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खाने को टीथ की तरफ मूव करती रहती है और हमें स्वॉलो करने में भी हेल्प करती है ऑल्सो टेस्ट बर्ड्स तो होती हैं टंग में जिसकी वजह से हमें खाने का स्वाद आता है फिर ये खाना यूसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है और ऐसा नहीं होता कि खाना खाया आपने स्टमक में चला गया बल्कि खाना दीमें दीमें जाता है मसल्स के और रिलैक्सेशन से इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं और ये पूरे के पूरे एलिमेंट्री में होता रहता है सो नो मैटर व्हाट आपकी पोजिशन क्या आप लेटे हो तेड़े हो मेडे हो ये आपका फूड नीचे ही जाएगा अनलेसनेटल uh, आपने बहुत ज्यादा खा लिया तो खा खाना ऊपर आ जाएगा बट नॉर्मल सिचुएशन में खाना नीचे जाएगा इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ही जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं भले ही वो जीरो ग्रेविटी में हो उनका खाना अंदर चला जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है फाइनली खाना स्टमक में आता है और डिपेंडिंग अपॉन कितना खाना खाया है आपने आपका स्टमक एक्सपैंड करता है ये अपनी साइज का तीन से चार टाइम एक्सपैंड हो सकता है स्टमक की वॉल्स काफी मस्कुलर होती हैं, जो हेल्प करती हैं खाने को डाइजेस्टिव जूसेस से मिलाने में स्टमक की वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। ये ग्लैंड फूड डाइजेशन में हेल्प करती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन और म्यूकस रिलीज करके हाइड्रोक्लोरिक का एसिड का काम ये है की वो हमारे फूड में अगर कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या वायरस चला गया है तो उसको मार देता है और ये जो इतना एसिडिक सिचुएशन हो जाती है स्टमक में ये जरूरी होती है पेप्सिन के लिए क्योंकि पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने की वजह से एक्टिव हो जाती है और स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है एंड लास्टली जो म्यूकस होता है की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है एसिड से अगर म्यूकस नहीं होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक की वॉल्स को ही डाइजेस्ट करने लगेगा अब ये फूड जो ऑलरेडी सिलाईवर से मिला हुआ है अब ये स्टमक की डाइजेस्टिव एंजाइम से मिल जाता है और व्हाइट कलर का हो जाता है और फिर ये थोड़ा थोड़ा कर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है और इसके मूवमेंट को स्पिंग मसल कंट्रोल करती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इस पूरे एलिमेंट्री कनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ये इतना ज्यादा कॉइल्ड होता है इसलिए थोड़ी सी जगह में फिट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ हर एनिमल में अलग अलग होती है जो हर्बी वोज होते हैं उनको सेल्यूलोस डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है इसलिए उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी लेंथ काफी बड़ी होती है as compared टू कार्निवोर जो मीट खाते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है क्योंकि प्रोटीन अब्सॉर्ब करना कंपैरेटिवली इजी होता है लिवर और पैनक्रियास से जो एंजाइम रिलीज होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और इन सीक्रेशंस की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट ये तीनों कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं सो so, जब स्टमक से रिलीज होता है ये फूड तो ये काफी एसिडिक होता है पैनक्रियास के जो एंजाइम्स हैं, ये काम करने लायक नहीं होते इतने एसिडिक मीडियम में इनको अल्कलाइन यानी बेसिक पीएच चाहिए वर्क करने के लिए ऐसे में लिवर से जो बाइल जूस सीक्रेट होता है इससे ये अल्कलाइन मीडियम हो जाता है और फिर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स अपना काम कर सकते हैं इसके अलावा बाइल जूस एक और काम करता है कि ये फैट को छोटे-छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देती है जिसकी वजह से एंजाइम और अच्छे से फैट को डाइजेस्ट कर पाते हैं फिर पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूसेस आए हैं इनमें दो एंजाइम होते हैं एक होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लाइपेस ट्रिप्सिन का, का काम होता है प्रोटीन डाइजेस्ट करना और लाइपेस का, का काम होता है इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करना इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी ग्लैंड होते हैं जो इंटेस्टाइनल जूसेस सीक्रेट करते हैं और इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो फाइनली प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसोरोल में कन्वर्ट करते हैं और ये फाइनली सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि सेल के यूज करने के लायक होते हैं अब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंचाना होता है बॉडी के हर एक सेल को और ये काम में हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में मौजूद ढेर सारे विलाय ये विलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं हर एक विलाय में ब्लड वेसल पास होती है इन ब्लड वेसल से जो भी ये ब्रेक डाउन हो चुके हैं फूड मटेरियल ये अब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और फिर ये ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ढेर सारे विलाय होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड डाइजेस्ट हो और सर्कुलेट होके सेल तक पहुंचता रहे फिर जब सेल तक ये पहुंचता है तो सेल इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं नए टिश्यूज बना सकते हैं और ओल्ड टिश्यूज को रिपेयर कर सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जब सब काम की चीजें ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो कुछ चीजें जो नहीं अब्जॉर्ब हो पाती पाती हैं डाइजेस्ट हो पाती हैं तो ये जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे जो भी पानी होता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है फिर जो भी बच जाता है ये हमारी बॉडी से निकाल दिया जाता है थ्रू एनस यहाँ पे इसका जो मूवमेंट रेगुलेट करती है ये मसल्स होती हैं एनल स्विंग सो माई फ्रेंड्स ऐसे होता है हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट सो ट्राई ईटिंग हेल्दी फूड उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा और हमारे सेल्स भी अच्छे से काम करेंगे इसके अलावा इज वन मोर थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारे टीथ हमारे मुंह में ढेर सारे बैक्टीरिया होते हैं तो जब भी हम कोई स्वीट चीज खाते हैं ये बैक्टीरिया उस शुगर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं जिसकी वजह से हमारे जो टीथ का इनामल है वो खराब हो जाता है और अगर इसको टाइम पे नहीं रोका गया तो पूरा टीथ ही खराब हो जाएगा और फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता होता है वो है दांत निकालना सो so, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुगर खाने से दांत खराब होते हैं बल्कि जो भी हम खाते हैं उसके साथ भी बैक्टीरिया मिलके हमारे टीथ से चिपक जाता है विच यू कैन फील कभी कभी टीथ पे कोटिंग जैसा फील होता है इसको डेंटल प्लाक कहते हैं और ये सलाइवा से भी नहीं हटता सो so, ये भी सेम ऐसे ही इनामल खराब करता है या फिर टूथ पल्प में भी ये इंफेक्शन कर सकता है और इसकी वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है सो so, टीथ को प्रोटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है खाने के बाद दांतों को ब्रश करना ताकि कोई भी रेसिड्यू ना रहे मुंह में और ना ही बैक्टीरिया को कुछ मिलेगा सो so इससे आपके दांत जल्दी टूटेंगे नहीं यू कैन ईट वट एवर यू वॉन्ट सो या इट्स द एंड ऑफ द वीडियो अगले वीडियो में वी विल लर्न अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बाय